हेलो फ्रेंड्स, रिकी फैशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे का, जैसे 4 से 5 साल के बच्चे के लिए आपको कैनकेन वाला लहंगा बनाकर दिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, लाइनिंग है, और ये सैटन का फैब्रिक लिया हुआ है, और ये मेरा नेट का फैब्रिक है जिससे मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने नेट वाले फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में बिछा रखा है इस तरीके से। तो वेस्ट का मैं 4 लूँगी और उसमें हमें 1 इंच प्लस रखना है। तो मेरा 6 इंच है, तो मैंने 6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। यहाँ आगे साइड पे ये प्लेन फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है। ये देखिए, जो जितनी भी मार्किंग होगी जहाँ पे हमने चौक से निशान लगाई है वहाँ से ही हमने करनी है। तो जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से 22 इंच की लेंथ है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरे इसमें 22 इंच का चाहिए था, तो मैंने 22 इंच रखा हुआ है इस तरीके से। और इसमें हमें 2 इंच की बेल्ट लगानी है, तो जो लहंगा है वो थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पूरा तैयार होकर मेरा 24 इंच का लहंगा आ जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से मैंने 22 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी, क्योंकि इधर का जो फैब्रिक है वो प्लेन है इसके लिए। अब देखिए, इस तरीके से रखने के बाद ये अंदर से आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने अंदर वाला जो फैब्रिक है वो कम ही रखा हुआ है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास भी इस तरीके से फैब्रिक हो तो आप भी सेम ऐसे ही इसको पहले फोल्ड करिए, फिर उसके बाद आप इसको ट्रायंगल शेप में बिछाने के बाद इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी नीचे से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ऊपर साइड से जो वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर भी हमने कट कर लेना है। अब देखिए जी, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये 2 पीसेस हो चुके हैं मेरे नेट वाले फैब्रिक का, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका मैंने ये बनाया हुआ है। अब इसके बाद इसको पहले हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है, आप इसका घेर देख सकते हैं कितना ज़्यादा आया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने लाइनिंग पर और जो हमारा सैटन का फैब्रिक था उस पर भी सेम ऐसे ही करना है। तो देखिए, पहले हमने सैटन फैब्रिक को इस तरीके से रखा फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद इसको हमने ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, बिछा लिया मैंने। बिछाने के बाद यहाँ से हमने लेना है 6 इंच वेस्ट के लिए। ये देखिए, मैंने वेस्ट के लिए 6 इंच लिया। अब यहाँ से हमें 22 इंच चाहिए, तो जो जितना भी कम फैब्रिक बचेगा, कम पड़ेगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ये देखिए, 22 इंच पर रख के इस तरीके से आपको पूरे जितना भी है उतने पर आपको सर्कल बना लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरीके से इसको बराबर से शेप दे दिया। शेप देने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और ये जो बचा हुआ वाला फैब्रिक है यहाँ पे हम अलग से कपड़ा जोड़ देंगे। जो हमारा ये सैटन वाला फैब्रिक है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे, फिर से हम ऐसे ही कट करने के बाद स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे हम बड़े लहंगे की कटिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। वेस्ट की भी हम साथ के साथ कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट था, तो यहाँ से मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी, और यहाँ पे हमने जो बचा वाला फैब्रिक है उसको भी हमें जोड़ लेना है। अब मैं आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसको भी हमने ट्रायंगल शेप में बिछा के रखा है। अब लहंगे वाला जो नेट वाला फैब्रिक था इसको हमने इस तरीके से रखा। फोल्डेड वाला साइड आपको ध्यान से रखना है, इस तरीके से बराबर से रखिए। जो लाइनिंग वाला रहेगा पीस वो हम 2 इंच कम रखेंगे। ये देखिए, हमने वेस्ट के साइड पे निशान लगाया, और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा लाइनिंग को मोड़ लूँगी। मतलब 2 इंच के लगभग आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कम निशान लगाना है। आपका जितना बड़ा भी पीस हो, जो आपका मेन पीस है उससे आप 2 इंच कम रखिए। अब देखिए, इसको मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देती हूँ ये कितना है ये होने के बाद पे। यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तो ये 21 इंच या 21.5 इंच है। तो इसको हम बराबर से रख लेंगे, और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया मैंने। वेस्ट के साइड पे भी हमने कटिंग कर लिया। अब मैं ये सारे पीसेस को आपको दिखा देती हूँ, और इसको देखिए, इसमें मैं कैनकेन लगाऊंगी। तो जो कैनकेन की जो लेंथ रखी है वो मैंने 7 या 8 इंच आप रख सकते हैं। अब देखिए, इसको हमें इस तरीके से इसके राउंड पर ही इस कैनकेन को अटैच करना है। अगर आपको कैनकेन की फुल लहंगे में वीडियो देखनी हो तो मैंने वो भी अपलोड करके रखी है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं।
इसमें भी आप 2 इंच ऊपर से लगाएंगे तो जो कैन है वो अच्छे से लगेगी और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो दूरी रखनी है आप 2 से 3 इंच के लगभग में दूरी रख सकते हैं, ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी है। तो इस तरीके से देखिए 3 पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है, लाइनिंग है। अब तो लाइनिंग पे देखिए, हमने जैसे मेरा कैनकेन 7 इंच का था तो मैं इसमें 9 इंच पे रख के इस तरीके से इसके पूरे सर्कल पे 9-9 इंच पे निशान लगा लूँगी। आपकी जितनी भी कैनकेन है उससे आप 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और इस तरीके से पूरे राउंड पे मार्क कर लीजिए। तो मेरा 7 इंच का कैनकेन था तो उसमें मैं 9 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क पे हमें थोड़ा सा सर्कल सा राउंड शेप दे देना है। अब इसके ऊपर ही हमें कैनकेन अटैच करनी है। तो कैनकेन के लिए देखिए इस तरीके से आप चाहे पहले पिनअप कर लीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो पहले कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। जो डायरेक्शन रहेगी वो बॉक्स प्लेट की तरफ बना सकते हैं या फिर नाइफ प्लेट्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे भी बनाना चाहें, ये देखिए इस तरीके से आपको गैपिंग रखनी है और इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम छोड़ के सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से सिलाई नहीं लगानी है। थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर कैनकेन को अटैच कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैं इसमें प्लेट्स बना रही हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस तरीके से प्लेट्स को पूरे पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर ही इसे कैनकेन को अटैच कर लेंगे। निशान लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो कैनकेन है वो बराबर से लगेगी और आपका जो कैनकेन है वो तिरछा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं पूरे पे अटैच कर लिया है। ये नीचे का जो साइड है यहाँ पर मैं एक पट्टी अटैच करूँगी, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है तो ये कैनकेन जो है वो चुभेगी। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे कैनकेन के साइड पे पट्टी अटैच करनी है और यहाँ ऊपर साइड पे भी हम पट्टी अटैच कर लेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए देखिए मैंने इस तरीके से एक पट्टी ले रखी हुई है, सीधी सी 1.5 इंच की पट्टी है। इसको हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके कैनकेन को यहाँ पर रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर भी नीचे साइड पर भी सिलाई करके दिखाऊँगी और जो ऊपर साइड पर है वहाँ पर भी हमने ये पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए क्या होता है, जब ये कैनकेन है वो बहुत ऐसे रहती है तो वो कपड़े में भी फंसती है और ये पैरों में भी चुभती है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से पट्टी अटैच कर लेंगे तो ये ना आपके पैरों में चुभेगी ना आपके फैब्रिक में फंसेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर साइड पर भी और नीचे साइड पर भी ये अटैच कर ली पट्टी। अब देखिए जो सारे पीसेस थे हमने इसे ज्वाइन कर लिए, 3 पीसेस को तो बराबर रख लेंगे। देखिए सारे पीसेस मैंने सीधे ही पे ही रखे हैं अभी, तो ये देखिए बराबर से मिला के रखना है। पहले मेरा लाइनिंग वाला पीस है, फिर उसके बाद ये सैटिन का फैब्रिक है, फिर उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी इस तरीके से हमने रख लिया। रखने के बाद इसे आप चाहे पहले ऊपर साइड इसके जो वेस्ट वाले साइड पे आपको यहाँ पे पहले सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है 3 पीसेस को, ताकि जब आप सिलाई करें और बेल्ट लगाएँ तो ये खिसके नहीं। तो पहले हम इसमें ही सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से पीस को लिया है, सारे पे सिलाई लगा ली थी। अब साइड की जो सिलाई है वो देखिए आपको पहले ही आपको 1 इंच तक स्ट्रेट लेके जाना है, फिर सारे पीसेस पे हमें अलग अलग ही सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से हमने पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है 1 इंच तक। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाई, 1 इंच तक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद लाइनिंग को लाइनिंग के साथ, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और सैटन फैब्रिक को सैटन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है, मतलब सारी सिलाइयाँ अलग अलग होंगी। ये देखिए पहले मैं लाइनिंग पे सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ से देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाता है तो आप छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं साइड में। अब देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमने जो सैटन वाला फैब्रिक था उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है और ये देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच का गैप दे करके इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली। ये देखिए अब सेम ऐसे ही जो हमारा सैटन वाला फैब्रिक था इसके ऊपर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो इस पर भी मैं आपको सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। अब देखिए बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच की बेल्ट ली है, इसको हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये 1.5 इंच की बेल्ट बन करके आ जाएगी। अब इस बेल्ट को हमने राउंड में अटैच करना है। अगर आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर हुक वाले भी बना सकते हैं, आप जैसा भी बनाना चाहें। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके ये दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने 1/2 इंच का गैप दे करके पहले हमने सीधे साइड से इसके बेल्ट को लगाना स्टार्ट करा है। सीधे साइड पे हमें 1/2 इंच का गैप दे करके सिलाई लगा लेनी है, पूरी बेल्ट पे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए इस तरीके से मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। ये एक साइड पे मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट को अंदर साइड को मोड़ेंगे इस तरीके से, ये जो सिलाई है वो कवर हो जानी चाहिए, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे मैं हुक वाली बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने इसमें वेस्ट में भी ज़्यादा मैंने रखा नहीं था। अगर आपको वेस्ट में बेल्ट वो इलास्टिक अटैच करनी हो तो 4 इंच एक्स्ट्रा रखिए। देखिए इस तरीके से ये हम पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे अपने लहंगे के साथ। तो देखिए इस तरीके से इसमें झोल वगैरह भी नहीं आता है, इसमें दिक्कत भी नहीं होती। तो मैंने बेल्ट के लिए लाइनिंग और जो नेट वाला फैब्रिक था इसको मैंने रख के सिलाई कर ली थी। और देखिए इस तरीके से बेल्ट मैंने अटैच कर ली है। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट नज़र आएगी। ये मेरे सारे पीसेस थे और मैंने नीचे साइड पर पीको कर लेना है। और ये मेरा जो कैन के ऊपर मैंने पट्टी अटैच करी थी तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ बेल्ट के साइड पे मैं लेस अटैच करूँगी। अगर आप बॉटम पे भी लेस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये पूरे मेरा लहंगा बन करके कंप्लीट हो गया है, इसमें मैं सिर्फ लेस लगाऊँगी बेल्ट के साइड पर। तो मैं आपको ये पूरा कम्प्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी इस तरीके से लहंगा बना करके रेडी कर सकते हैं 4 to 5 ईयर्स बच्चे के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट में लेस लगा करके अटैच कर लिया है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।